अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपका भी, आपने भी बर वक्त मुझे नोट्स वगैरह अरेंज करके जिस तरह भी हो सका आपसे, क्योंकि मेरे क्योंकि नोट इस तरह के थे कि मुझे और तरह के जिस तरह के मैं चाह रहा था डिजिटल, मुझे इस तरह के मिलेंगे जो मेरे लिए ना रीड करना ईजी हो, तो आपने वो उसी तरह ही भेजे। तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पूरा जो मेरा सफ़र था एयरपोर्ट में भी ना, जो पूरा मेरा एयरलाइन का सफ़र था, वो सारा मैंने ना नोट्स भी तैयार किया उन्हीं के ऑप्शन के ऊपर। एन सी क्यूज़ क्वेश्चन आंसर तो मैंने कर लिए थे, उसका मुझे इस तरह था कि वो मैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मैंने कुछ सबक मैंने पढ़े हुए थे वहाँ पे ना, तो मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर तो हो जाएंगे, वो मैं अपने आप से भी खुद भी लिख सकता हूँ। मेन चीज़ ये है कि जो ऑप्शन है ना, उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये एक नंबर आपका कन्फर्म होता है। तो वो काफ़ी मेहनत की मेहनत इस तरह थी कि सफ़र सारा जितना भी था ना मेरा, यहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर जो मैं लाहौर गया हूँ, सारा मैं आपके जो नोट्स थे सारे वही पढ़ता रहा हूँ। तो ऑप्शन जितने भी थे सारे वो भी कर लिए मैंने रेडी सारे, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, अच्छा हो गया मेरा पेपर। तो शुक्रिया आपका नोट्स भेजने का, अरेंजमेंट उनकी अच्छी थी, उसी वक्त ही मैं खोलता एक ही पेज, उसी के ऊपर उनके आंसर्स थे। तो इंशाल्लाह।